भाई कैसे याद किया भाई, बोलो। मैं नहीं बताऊंगा भाई, आपके लिए चैलेंज है, करोगे क्या? एक टेप नहीं तो क्या डेर, बोलो। मैं तो डेर ले लूंगा भाई। 500 रुपए में पीछे बिल करके खाओ। अरे बाप रे, 500 रुपए में यार। लेकिन एक सेकेंड, GTA 5 चलेगा कि नहीं यार, बोल नहीं सकता मैं। बैगन। चलो भाई, GTA 5 नहीं तो GTA 4 तो चला दोगे? ठीक है भाई, करके दिखाऊंगा यार, अब करना तो पड़ेगा। तो भाई मेरे पास काफी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इनके पास i3 वगैरह भी हैं, ड्यूल कोर वगैरह भी दिख रहे हैं, तो प्राइस बता रहे हैं। तो i3 वाला जो आपने बताया वो मिनिमम 2500 तक पड़ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? तो गाइस अपन एक शॉप में है टॉप सॉल्यूशंस करके। मेरा एक्चुअली एकदम कम रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम बजट में अपने पास क्या CPU पड़ा रहेगा ओल्ड में वगैरह ना, वो दिखाना कोई। सर टाइम आता है 6 जनरेशन में। ओके, नहीं इतना नहीं, एकदम लोएस्ट बजट, मतलब आप समझ रहे ना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसका रेट क्या पड़ेगा कम से कम, मतलब अरे छोड़ना उसको भाई। इसमें क्या आ जाएगा अपने को? i3 4th है। अच्छा, इधर ही नीचे दिखा दो। i3 4th 4GB या 5GB? 4GB रैम और 500GB हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो है नहीं अंदर अभी, अच्छा डाल के सामने से दिखाएंगे जरा। बजट तो काफी कम है, लेकिन i3 सेकंड वगैरह थोड़ा, और उसमें क्या 200 रुपए ही कम हो जाएगा खाली, बस। मतलब कितना हो जाएगा? 4200। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं है। भाई लोगों, 500 रुपए का जो बजट का PC है, तो बहुत बहुत खतरनाक चैलेंज ले लिया मेरे भाई से। अब मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, जो शाइन प्रोडक्ट है मेरे इधर, वहाँ पे मैं आया हूँ, और यहाँ पे आकर के मैं ट्राई करता हूँ इनके पास सेकंड में कुछ मिलता है क्या। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई। वापस से एक चैलेंज है मेरा, पैसा मत पूछो कितने का चैलेंज है, क्योंकि बहुत कम है। बजट एक्चुअली पूछोगे तो मतलब हंसना मत, लेकिन 500 रुपीज का बजट है। मेरे को ना G41 ड्यूल कोर में कुछ अगर मदरबोर्ड मिल जाए मुझे, एटलीस्ट मदरबोर्ड अगर आपके पास मिल जाए ना, तो प्रोसेसर का जुगाड़ में कर लूंगा। ड्यूल कोर यार भाई, एक तो कोई यूज नहीं करता। ड्यूल कोर आपको मिला तो मेरे को लगी दो। मेरे को जिस दिन मिल गया मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आज मुझे जरूरत है, तो प्लीज हेल्प कर दो। प्लीज ट्राई करना। हाँ। अगर कुछ मिलता है, अगर आपके पास सेकंड में पड़ा हो या कहीं से आप अरेंज कर सको मेरे लिए। आपके लिए तो करना ही है। 2000 years later। मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ तो मेरे लिए ढूंढ के रखा है। तो भाई मिला क्या कुछ? ये लो, बहुत कोशिश करने के बाद ये मिला है। अच्छा, G41 का मदरबोर्ड है, ड्यूल कोर का प्रोसेसर है, और उसी के साथ पावर सप्लाई है, और ये कुछ भी नया नहीं है, सब सेकंड हैंड है, कोई वारंटी नहीं कुछ नहीं। हाँ, बाकी मैं अरेंज कर लूंगा, लेकिन एटलीस्ट मदरबोर्ड तो चालू है ना। अरे भाई छोटा का, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, विश्वास है ना मेरे पे। हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। तो भाई लोगों, क्योंकि इन सब पार्ट्स की कोई गारंटी वो दे नहीं रहा था शॉप वाला, तो मैं 500 रुपए में ये ले आया। तो अब देखते हैं इसे चालू करके कि मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा कहीं। इसमें पोर्ट्स की मैं बात क्या ही करूं, सब ओल्ड जनरेशन के पोर्ट्स हैं, लेकिन हाँ अपना काम हो जाएगा, VGA पोर्ट है और USB 2.0 पोर्ट्स हैं। 500 रुपए के अंदर क्या ही मिलेगा, बात तो सही है। एक नुकसान तो हो गया गाइस, जो 2GB की रैम साथ में मिली थी ना, वो फॉल्टी निकली। पैसा बर्बाद बहन। तो मेरे पास एक 4GB की रैम थी, वो अपन यूज कर रहे हैं। पावर सप्लाई ये जो हम लेकर के आए ना, एकदम बेसिक वाली, इससे अपना PC काम कर लेगा। यहाँ हम पुराना पड़ा हुआ ये सड़ा सा एक फैन यूज करेंगे इंटेल का। तो चलो, ऐसे मदरबोर्ड का प्रोसेसर बे खोल दिया, और ये रहा अपना प्रोसेसर जो ऐसे कागजों में लिपट करके आया है। ये प्रोसेसर आपको ना कोई फ्री में भी दे देगा गाइस, गरीबों के लिए किंग प्रोसेसर है ये। अब गाइस इसको लगाना है ना एकदम इजी है। जो प्रोसेसर में जो कट्स लगे वो अच्छे से मैच कर लिया, एंड लीवर को लॉक कर डाला। अब थोड़ा सा थर्मल पेस्ट भी लगा लिया, फैन है ये लगा लिया। इसको लगाने के लिए सारी क्लिप्स के एरोस को आउटवर्ड्स कर दो, और उसके बाद गड्ढों में डाल के सारे लेग्स को प्रेस कर डालो। मदरबोर्ड को उल्टा करके देख लीजिए कि पिन्स इसके बाहर आ गए होनी चाहिए। और ये आ गया भाई 4GB का रैम, मेरे पास पड़ा हुआ था तो हम लोग ये यूज कर रहे हैं। और इसको लगाने के लिए आपको इसकी जो नॉच है उसको मैच कर लेना है मदरबोर्ड के रैम स्लॉट के साथ, और घुसेड़ दो गड्ढे में। क्या बोला? और ये प्रोसेसर फैन का स्विच लगाना रह गया था, तो वो भी लगा लिया। और ये रहा मॉनिटर, इसको VGA केबल से कनेक्ट कर देते हैं मदरबोर्ड पे। अब ये पेचकस से अपने को जो पावर पिन्स है ना उसको शॉर्ट करना है। उसको शॉर्ट करते से ये पावर ऑन हो जाएगा, और अगर पावर ऑन नहीं
नहीं हुआ तो पता चल जाएगा कि भैया अपने पैसे हो गए वेस्ट। और ये क्या बात है भाई, बायोस प्रॉम्प्ट पे आ गए हम लोग। भाई लोगों पैसे तो बच गए, इतना समझ में आ रहा है गाइस। क्योंकि मैं हमेशा जेन्युइन कंटेंट दिखाता हूं, तो आप लोग देख सकते हो यहां पे इंटेल ड्यूल कोर प्रोसेसर दिख रहा है। तो गाइस कुछ ओल्ड SSD एंड हार्ड डिस्क थे जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, तो मिलते हैं फटाफट से विंडोज इंस्टॉल करने के बाद। और ये लो भाई GTA 5 का इंस्टॉलेशन भी चालू हो गया। क्या लगता है आपको GTA 5 चलेगा? और ये कॉन्फ़िग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कोर टू डियो प्रोसेसर दिख रहा है, 4GB रैम दिख रहा है एंड SSDs कनेक्टेड है। और ये देखो गाइस, ये है पूरा सेटअप। मैं जेन्युइन कंटेंट दिखाने में विश्वास रखता हूं और सब आपके सामने है। और ये GTA 5 ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। अब देखेंगे कि सिस्टम की कैसी लगती है GTA 5 स्टार्ट करने के बाद। बट क्या ही लोगे इस सिस्टम से यार, ये प्रोसेसर 2006 में लॉन्च हुआ था और आज 2024 में, देखते हैं क्या ये प्रोसेसर रो पड़ेगा। तो गाइस GTA 5 चलाते से ना सिस्टम के परखच्चे उड़ गए लगता है, इस सिस्टम की फट गई भाई। GTA 4 तो फिर भी चल जाएगा, बट GTA 5 से कहीं ये सिस्टम क्रैश ही ना हो जाए। भाई काफी देर हो चुकी है और स्क्रीन पे कुछ नहीं है, स्क्रीन जस्ट ब्लैंक पड़ी है। तो गाइस इतना तो क्लियर है कि ये सिस्टम GTA 5 नहीं चला सकता। लेकिन हाँ, क्या होगा अगर हम इसमें एक ग्राफिक्स कार्ड डाल दें? तो चलो करके देखते हैं। मेरे पास एक GTX 1650 पड़ा हुआ है, तो उसे इस बाबा आदम के जमाने के CPU के साथ पेयर करके देखते हैं कैसा चलता है। और 1650 को 6 पिन का पावर कनेक्टर लगता है, तो ये कुछ जुगाड़ से हमने लगा दिया। ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर इंस्टॉल कर डाले। तो देख रहे हो गाइस, फाइनल टेस्टिंग के लिए तैयार है ये एज ओल्ड सिस्टम। अब देखो ये अपने पास पड़ा था ग्राफिक्स कार्ड, इसीलिए अपन ये जस्ट लगा करके टेस्टिंग करेंगे। अब देखो ये ग्राफिक्स कार्ड इज शोइंग इन द टास्क मैनेजर और ये अब GTA 5 चालू कर दिया। गाइस पिछले बार से तो फास्ट लग रहा है, लेकिन मुझे डाउट है कि क्रैश ना हो जाए ये सिस्टम। लेट्स सी गाइस, चालू तो हो गया, लेकिन एक सेकंड, सारी सेटिंग्स मिनिमम कर डालते हैं ताकि सिस्टम कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। देख रहे हो गाइस CPU 100% हिट कर रहा है, लेकिन क्या गेम चलेगा देखते हैं प्ले करके। तो गाइस गेम तो चल रहा है, लेकिन गाइस काफी लैग है गेम प्ले में, भाई मजा नहीं आ रहा है, सच बता रहा हूँ गाइज। मत करना ऐसा 500 का सिस्टम, देखो बिना ग्राफिक्स कार्ड के तो चलेगा ही नहीं है ना। और अगर आपके पास कोई पहले से ग्राफिक्स कार्ड पड़ा हुआ है तो प्ले कर सकते हो। देखो गेम प्ले हो जाएगा, लेकिन खतरनाक लैग मिलेगा बीच बीच में। अब मुझे ये सिस्टम बनाना था क्योंकि मेरा तो चैलेंज था, और मेरे पास ना एक पुराना सा कैबिनेट है, उसमें सब डाल करके ये सारा तामझाम मेरा सिस्टम बिल्ड जो है वो रेडी हो गया है कुछ इस तरह से। तो क्या बोलते हो गाइस, 500 रुपए में सही है ये PC? कमेंट करके बताना।